सांसद जी, पहले आजम खान के आवास पर थे ईडी की छापेमारी कुछ दिन पहले, और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो सांसद है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर जो लगातार जो छापेमारी सुबह से ईडी की जो चल रही है, चार्जशीट जो शराब घोटाले की थी उसमें कहीं ना कहीं उनके नाम होने के जो बात जो सामने आ रही है, किस तरह से देखते हैं लगातार विपक्ष के जो नेता है उनको टारगेट किया जा रहा है? भाई, इन्हें तो इस वक्त सिवाय सन 24 के कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए ये इन्हें हदें पार कर दी, और इंसानियत के एतबार से भी इनका इनके यहाँ कोई रहम का खाना नहीं है, कोई कोई इंसाफ नहीं है इनका। बल्कि 24 घंटे कभी कभी बिलडोजर कहीं चलवाते हैं, तो कभी बहरहाल ईडी को भेज देते हैं। अब उस वक्त आजम खां को इतना परेशान करके 3 दिन तक उनका फुर्सत न लेने दी। आज संजय सिंह है, वो भी ठीक आदमी है, कोई गलत आदमी नहीं है। भाई यूँ तो हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन इस तरीके से जिम्मेदार लोगों को हरेसमेंट करना, और सिर्फ उसके खातिर, सिर्फ इस खातिर कि हम यहाँ के फिर हमारे हाथ में गवर्नमेंट की बागडोर आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल इस झुंझलाट में, इस परेशानी में इस वक्त वो मुब्तला है, और इसमें हर काम जो उल्टा ही कर रहे हैं। तो बहरहाल भाई, इलेक्शन को इलेक्शन के तरीके से लड़ाइए, कौन मना कर रहा है? इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसमें जो मतलब ये गैर उसूली बातें हैं, जो इंसाफ के खिलाफ हैं, या जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके खिलाफ आप जब काम करेंगे तो दुनिया उंगली उठाएगी, और इसको फिर वही अवाम जिसने आपको वोट देकर यहाँ बरसर इख्तदार किया था, 9 साल से आप यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन अब वो फिर मौका नहीं देगी आपको।